कहाँ आ गए? कौन सा प्रोग्राम हो रहा है ये? सेट सेट तो बहुत अच्छा बना है, खर्चा वर्चा किया बहुत, लाइट वाइट बल्ब बल्ब लगे हैं, बढ़िया बढ़िया। ओह अरे जावेद साहब आदाब, रहमान साहब आदाब, लारा जी पहले की तरह अभी भी खूबसूरत। आपका मतलब खूबसूरत का कंटिन्यू चल रहा है वो? अच्छा, अरे इतने अच्छे अच्छे सिंगर सब एक साथ ही आ गए। रूप भाई कैसे हैं? दाढ़ी बाद में बना लेना। जावेद साहब आपने इतना फिल्म इंडस्ट्री में योगदान दिया है, इतने उम्दा शायर हैं हमारी कंट्री के आप, लेकिन पता है आजकल कौन शायर सबसे ज्यादा चल रहे हैं? जो ट्रक के पीछे, लॉरी और टेम्पो के पीछे लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? पीछे दूर है पप्पू दी गट्टी, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। गंदे से ट्रक के पीछे एक जूता लटका देंगे और वहां लिखते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। एक ट्रक के पीछे फंस गया, ट्रक में कचरा लदा है, उसके पीछे से मैं अपनी गाड़ी में चल रहा हूँ, उस ट्रक के पीछे लिखा है सूंघते चलो। ये क्या बदतमीजी भाई। एक टेम्पो के पीछे लिखा था सावन को आने दो, पीछे से 250 की स्पीड में लॉरी आया, मारा धपाक। उस लॉरी के पीछे लिखा था आया सावन झूम के। यहाँ भी इधर भी हमारे सारे मित्र हैं, सारे दोस्त हैं, देश के नामी गिरामी सिंगर हैं, कैलाशा भी हैं एकदम राजपाल यादव। आज का जो विषय है वो भी हमें ध्यान में रखना है। शोले फिल्म अपने हिसाब से बता रहा हूँ आज के सब्जेक्ट को लेके। गब्बर सिंह, गब्बर सिंह पढ़ा लिखा नहीं है, जबकि पढ़ाई लिखाई आज की डेट में बहुत जरूरी है। तो गब्बर सिंह मेरे हिसाब से बहुत कंफ्यूज होता होगा। गब्बर सिंह कितने आदमी थे, कितने आदमी थे? सरदार दो आदमी। ये दो कितना होता है रे? सरदार सरदार ये दो एक के बाद आता है और कभी कभी तीन के पहले भी आता है। कितना गोली इसका, कितना गोली इसका अंदर? सदा छह गोली, ये छह कितना होता है रे? सदा वही पहले की तरह, पांच के बाद आता है सात के पहले। छह गोली आदमी तीन, निचो निचो अब बराबर है? अब काय का खाक बराबर है? पहले पर हेड दो आता था, अभी कम ज्यादा हो गया है, अभी कैसे कैसे बांटोगे? तो अगर एक डाकू को गला दाब के मार दूं तो बराबर होगा? अरे क्या कैसे होगा बाबा, मैथमेटिक्स सीखो, स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई जरूरी हर प्रोफेशन में, अनपढ़ लोग नहीं चलते। कितना इनाम रखे सरकार हम पर? बता देंगे मगर फंस जाओगे उसमें आप। फंस जाएंगे हम लोग। फिर भी बता, मुझे पता होना चाहिए। 50,000, बस पूछने नहीं। नहीं नहीं, ये 50,000 कितना होता है रे? सदा इसको आप समझ लो बस आधा लाख होता है। आधा लाख मतलब 50,000, 50,000 मतलब आधा लाख। एक ही चीज के दो नाम रख क्यों रखा है रे? नहीं नहीं ऐसे तो तीन नाम है, 50,000 भी होता है उसमें, आप बहुत कंफ्यूज हो गए। आप ये सब छोड़ो, आप ऐसा करो, आप थोड़ी दिन के लिए डाकूगिरी बंद करो, अपन सब कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं। थोड़ी दिन जरूर नुकसान होगा मगर लॉन्ग रन के लिए बहुत फायदा होगा।